बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन उद्योगपति राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। 83 साल के थे राहुल बजाज। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। उनकी अगुवाई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12,000 करोड़ तक पहुंच गया और यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। 2005 में राहुल ने बेटे राजीव को कंपनी की कमान सौंपनी शुरू की थी। तब उन्होंने राजीव को बजाज ऑटो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ गई। बजाज 50 साल तक अपनी खड़ी की हुई कंपनी के चेयरमैन भी रहे। उन्हें सरकार ने 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। तो सीएम बघेल ने ट्वीट किया उनके निधन पर। सीएम बघेल ने ट्वीट करके दुख जताया। ये ट्वीट किया गया भूपेश बघेल की ओर से। उन्होंने कहा, राहुल बजाज का निधन उद्योग जगत समेत पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। राहुल बजाज का निधन उद्योग जगत समेत पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट राहुल बजाज को याद करते हैं। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हुआ, उस पर ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। राहुल बजाज का निधन उद्योग जगत समेत पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये सीएम भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन, उस पर ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का। तो लगातार लोग इस तरह का ट्वीट भी कर रहे हैं। उद्योगपति राहुल बजाज के निधन के बाद शोक की लहर है। और ये देखिए, टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा, बजाज ऑटो पूर्व चेयरमैन और एक नेकदिल इंसान राहुल बजाज के निधन की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें और राजीव बजाज और परिजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। यह ट्वीट टीएस सिंहदेव का।